आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की तुलना कभी एमएस धोनी से की जाती है तो कभी विराट कोहली से तो कभी सौरभ गांगुली से, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी की तुलना एक अलग अंदाज में की है। इरफान पठान का मानना है कि रोहित शर्मा एमएस धोनी और सौरभ गांगुली के बीच का मिश्रण है जो कि भारतीय क्रिकेट के सबसे महान कप्तानों में शामिल है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक बार फिर से अपनी दमदार पारी का सबूत दिया। रोहित ने 5वीं ट्रॉफी तो जीती, साथ ही साथ जयंत यादव को आखिरी मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल करने के उनके फैसले ने विशेषज्ञों से भारी प्रशंसा भी अर्जित की। जयंत ने फॉर्म में चल रहे शिखर धवन को बोल्ड कर दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया। वहीं इरफान पठान ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने जयंत यादव का इस्तेमाल किया उससे उनकी क्लास का पता चला। कोई भी कप्तान एक सिमर के साथ जाना चाहेगा, लेकिन रोहित ने अपनी मूल प्रवृत्ति का उपयोग किया। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी स्पष्ट थी। इससे भी पता चलता है कि वो गेंदबाजों के कप्तान है, वो धोनी और गांगुली का मिश्रण है। गांगुली ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा किया, ऐसे ही धोनी ने भी किया और हमेशा सहज भाव से फैसले लिए। मैं आपको बताते हैं, पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने एक और मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे याद है एक मैच फंस रहा था और रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को 17वें ओवर में गेंदबाजी दी। आमतौर पर वो बुमराह को 18वें ओवर में गेंदबाजी कराते हैं और उस मैच में बुमराह ने विकेट निकाल कर दी और मैच को मुंबई इंडियंस ने जीता था। रोहित ने करण प्लॉट का भी यूज अच्छे तरीके से किया। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD News रोहित की रिपोर्ट।